बस्तर पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लाख रुपए के अवैध गांजे के साथ एक आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया आरोपी उड़ीसा के कोरापुट का रहने वाला है, जो अपनी बाइक से 1 क्विंटल अवैध गांजा बेचने के लिए शहर की तरफ जा रहा था, तभी कुरंदे रोड चेक पोस्ट पर पुलिस ने उसे धर दबोचा। धार जिले के कुक्षी में राजस्व विभाग और पुलिस ने रेत माफियाओं पर संयुक्त कार्रवाई की। विभाग ने कापसी नदी और वरुण फलिया से रेत का अवैध परिवहन करने पर एक जेसीबी और 8 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। बता दें, कुक्षी तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन ग्राम पंचायतों की मिलीभगत से चल रहा है, जिसकी शिकायत प्रशासन को लगातार मिल रही थी। वही शिकायतों के बाद प्रशासन ने अवैध रेत के परिवहन पर कार्रवाई की। कुक्षी में रेत के खिलाफ जो इलीगल सैंड माइनिंग के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, वह पूरे जॉइंट हमले के साथ हुई, जिसमें राजस्व और पुलिस प्रशासन का मतलब पूरा मिलकर सहयोग था। हम लोगों ने 1 जेसीबी और 8 ट्रैक्टर पकड़े हमें, जो ऑन साइट पर रंगे हाथ रेत निकालते हुए पाए गए, तो ये एक अच्छा कार्रवाई थी। आपके लिए बाढ़ नदी में सूचना मिली कि अगर उत्खनन हो रहा है जेसीबी के माध्यम से, तो मौके पर बड़ी प्रशासन की टीम पहुँची और 9 ट्रैक्टर जेसीबी जब्त किए गए। पुलिस के बाद राज्य वासी की पूछताछ कार्रवाई प्राप्त की थी, जिसमें हमें मौके पर जेसीबी और 8 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। इसका हमारे संविधान में और भी दूसरी जगह है जहाँ पर उत्खनन होता है, वहाँ भी आगामी के लिए कार्रवाई की तैयारी की। अगर उत्खनन की और जो ट्रैक्टर से लगातार परिवहन कर रहे थे बूढ़ी बागी नदी पर, वहाँ CM साहब के निर्देशन में उनके साथ में रहकर हम लोगों ने उद्योगी साहब और सभी लोगों ने काम किया, और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जहाँ भी अवैध रूप से उत्खनन हो रहा है रेत का पूरे कुछ